हेलो। हेलो। हाँ जोहार, संजय बारा जी बात कर रही है। हम विश्राम बोल रहे हैं, उबाता झारखंड से। हाँ बोलिए। आपने जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था कि डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल आया, डीलिस्टिंग होगा, इस तरह का आपने मैसेज आया किया है ना? कब? आज से कुछ दिन पहले। पता नहीं हम किसको किया होगा, याद नहीं है। नहीं नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना यार, डीलिस्टिंग के बारे में आपको क्या ख्याल है? हमको क्या करना है, हमको भी अपना खाओ कमाओ, बस कुछ नहीं। नहीं नहीं, आदिवासी शायद धर्म मानने वाले, डीलिस्टिंग होगा या फिर नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं उबारता झारखंड। दोस्तों, एक व्यक्ति को और फ़ोन कर रहे हैं और ये डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, इस तरह की तमाम बातें कह रहा था। हम इनसे पूछताछ करने की प्रयास करेंगे, जानकारी लेने की हम प्रयास करेंगे, आखिर डीलिस्टिंग होगा कैसे होगा, ये सारे तमाम इनके मन में सवाल चल रहे थे कि डीलिस्टिंग होगा, डीलिस्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस तरह की तमाम बातें कर रहा था। अभी हम इसको तुरंत फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जोहार, संजय बारा जी बात कर रही है। हम विश्राम बोल रहे हैं उबाता झारखंड से। हाँ बोलिए। आपने जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया था कि डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल आया, डीलिस्टिंग होगा, इस तरह का आपने मैसेज आया किया है ना? कब? आज से कुछ दिन पहले। पता नहीं हम किसको किया होगा, याद नहीं है। नहीं नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है यार, डीलिस्टिंग के बारे में आपको क्या ख्याल है? हमको क्या करना है, हमको भी अपना खाओ कमाओ, बस कुछ नहीं। नहीं नहीं, आदिवासी शायद धर्म मानने वाले, डीलिस्टिंग होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी तो रख सकते हैं ना? नहीं तो उसको मेरा बोलने से नहीं, बोलने से नहीं होगा ना। दूसरा बात, मेरे को टाइम नहीं है अभी, सुन लो भाई, ठीक है ना? वो ड्यूटी का रखो। नहीं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? काट दिया ये आदमी इनको इनको अब समझ में आ गया है कि विश्राम फ़ोन कर रहा है, विश्राम बात कर, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर अगर आप बात करने के लिए अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अगर आप हमको हाय हेलो करते हैं, तो मुझे आपसे बात करने के लिए ज़रूरी ही है, क्योंकि आपकी बात को सरकार के मुख्य पटल पर, राजनीति के मुख्य पटल पर, ग्रामीण इलाके या फिर सामाजिक स्तर के मुख्य पटल पर ये रखना अति आवश्यक है, और इसलिए आज हम इसको फ़ोन कर रहे हैं, और ये आज की तारीख पर बात करने के लिए समय ही नहीं है। अगर आपने कह दिया कि डीलिस्टिंग होगा, डीलिस्टिंग के क्या, डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, तो इनको समझ में आनी चाहिए, समझ के रखना चाहिए कि भाई डीलिस्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। आज सीधे बोल रहे हैं हमको बस कमाना है, खाना है, मुझे इस तरह से कोई लेना देना ही नहीं है। अर्थात डीलिस्टिंग के बारे में मैंने आपसे भी कहा था कि आने वाला समय में डीलिस्टिंग के मुद्दे से कोई बातें करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, और पिछले यूट्यूब फेसबुक पर भी मैंने इस तरह की बातें मैंने करते रहता था कि आज के बाद डीलिस्टिंग का मुद्दा कोई बात करना चाहेगा ही नहीं। आपने देखा ना, मुझे इस तरह का सीधे कह दिया कि भैया मुझे इस तरह का बातें करना ही नहीं, बस मुझे अपना कमाना है, खाना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस आपने क्या ख्याल है, आपने कहा कि डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, डीलिस्टिंग तो होगा, तो भाई डीलिस्टिंग होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो लेना पड़ेगा ना भैया, कि डीलिस्टिंग कैसे होगा, डीलिस्टिंग क्या चीज़ है, डीलिस्टिंग के बारे में मुझे क्या ख्याल है, उसकी थोड़ा जानकारी उनको देना होगा। और इसी के तहत मैंने इनको फ़ोन लगाया तो बोल दिया कि मैं अभी कमाना है खमाना है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब ड्यूटी करो, अब इस तरह के डीलिस्टिंग के मुद्दे अब राजनीति की गलियारों में, झारखंड की राजनीति में हम होने नहीं देंगे तो इसीलिए मैं इसको और दूसरा व्यक्ति को फ़ोन कर लेते हैं, किसको फ़ोन करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, रुकिए। बहुत लोगों का है सारा, इन सबको सबको एक एक करके फ़ोन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इन सबको अब इसी का हम बिजनेस बना के रखते हैं, इसी का धंधा बना के रखते हैं, मतलब मजाक बना दिया ये लोग राजनीति में रोकी क्योंकि इनको सिर्फ यही लग रहा था कि डीलिस्टिंग होगा, डीलिस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, बस आपने जो मैसेज कर दिया, मतलब वो बातें आपका रिकॉर्डेड हो जाता है, हम आपका एक मैसेज से हमको पता चल जाता है कि आप कौन है, आप क्या है, क्या नाम है आपका, सारा कुछ पता चल जाता है। लेकिन इसी तरह की चीज़ को देख करके कई लोग क्या करते हैं, नंबर को बंद कर देते हैं तो ये छोटी सी जानकारी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। और ये दोस्तों, मैंने आपको पिछले बार में भी मैंने आपको कहा था कि
कि झारखंड में डिलिस्टिंग की बातें, डिलिस्टिंग की मुद्दा बात करने से लोग घबराएंगे, बात करना ही पसंद नहीं करेंगे। और आज के तारीख पर आपने देखा ना, उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि भैया मुझे इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, बस मुझे अपना कमाना है, अपना खाना है। अर्थात डिलिस्टिंग की बात को लेकर के जो जिस तरीका से जो चल रही थी सुगबुगाहट, जिस तरीका से जो राजनीति चल रहे थे, ये आने वाले पीढ़ी में, आने वाले 2-3 साल में ये ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए हम ऐसा ही जानकारी से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं, ऐसा ही जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो हमारे इस उभरता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम भविष्य में भी हम इसको फ़ोन करने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहना पड़ेगा। राजनीति की जानकारी, राजनीति की सुगबुगाहट, झारखंड की जितनी भी सुगबुगाहट, जितने भी जो लोगों की प्रतिक्रिया अगर आपको सुनना है, आपको देखना है, आपको जानना है, तो आप हमारे इस उभरता झारखंड को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम देते रहते हैं। धन्यवाद।